हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, आई मीन आफ्टरनून. अभी दोपहर हो गई है और हम लोग निकले हैं बाहर काम से. और मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं आई है, बादल बने हुए हैं बाहर, ठंडा है वेदर. और अभी मैं जा रही हूँ चूड़ी वाले के पास, फंक्शन के लिए चूड़ियाँ जो हैं लेनी है, तो वहीं जा रहे हैं. और फंक्शन के बीच में हम लोगों की प्लानिंग है, जैसे कीर्तन होगा और बैंगल सेरेमनी है, तो उस दिन चूड़ी वाले को घर पे बिठाने के लिए, और जो भी लेडीज आएंगी सबके लिए, लाइक वो लोगों के जो पसंद होगी बैंगल्स वो ले लेंगी. तो उस हिसाब से अभी मैं उससे बात करने जा रही हूँ, क्या हिसाब है, कैसे है, वहाँ जाएंगे फिर छोटा मोटा शॉपिंग का, लाइक सामान है शादी का वो सब लेना है, और प्रसाद के लिए ऑर्डर देना है, वहीं जा रही हूँ. तो चलो पहले बैंगल वाले के पास चलते हैं, बात करते हैं क्या हिसाब रहता है. तो बैंगल्स का काम हो गया हमारा, बैंगल वाले से मिल लिया है, बात हो गई है, उसको बोला है बल्क में ले आएगा बैंगल्स, और प्रेरणा के लिए भी उसी दिन वही ले आएगा. और रेड एंड ग्रीन कलर की बैंगल्स बोली हैं उसको लाने के लिए, और बाकी सबके लिए तो ऑल कलर्स में जो भी इसको पसंद होगा पहन लेंगे. तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ एग्जीबिशन है एक लगी रहती है जो परमानेंट एग्जीबिशन है, तो बंद नहीं करते वो, मतलब 12 महीने लगी रहती है, वहीं जा रहे हैं. और वहाँ से हमने लेना है चकला बेलन. चकला वहाँ से मैं अभी लेके आई थी, रोटी बनाने वाला जो रहता है हम चकला बोलते हैं उसको, वो लेना है प्रेरणा के लिए. और बेलन जो है वहाँ अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बेलन कहीं और से देखेंगे. तो मार्बल का चाहिए इसको, जैसा मेरे पास है, कहती मम्मी वो आदत है मुझे, और वैसे भी लकड़ी का ना हिलता है, टक 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 साउंड करता है रोटी बनाते हुए, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं एग्जीबिशन. तो चकला हमें मिल गया है 450 रुपये का. आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने लिया था तो 600 रुपये का लिया था, इस बार सस्ता ही मिल गया, अच्छा है. और अभी धूप आ गई है, धूप भी है, हवा भी है, मौसम अच्छा है. तो बीच रोड दिखा देती हूँ, ये मंदिर है यहाँ पे, बंद है अभी इस टाइम. और ये यहाँ का दुर्गा का मंदिर है, बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई हुई है, और बीच रोड के ऊपर बना हुआ है मेरे बिल्कुल सामने. इस टाइम तो ये मंदिर बंद है, लेकिन ये शाम को यहाँ आरती वारती होती है, अभी लंच टाइम भी है. हमने शॉपिंग कर ली है, मैंने अपने लिए एक्चुअली ज्वेलरी देख रही थी कुछ, मगर मिली नहीं है, थी अच्छी थी बट कुछ समझ में नहीं आई, कंफ्यूज हो गई हूँ, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या पहनना है. और बस अब कुछ
कुछ खाएंगे, भूख सी लगने लगी है। और चप्पल ली है मैंने अपने लिए शादी के लिए, क्योंकि साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ और साड़ी के साथ जो चप्पलें होती हैं वो अलग टाइप की रहती हैं, थोड़ी मॉडल अलग होता है, और मेरे पास उस टाइप की है नहीं और ना ही मैं ज्यादा हील्स पहनती हूँ। बट अब साड़ी फ्लैट के साथ अच्छी नहीं लगी, नहीं तो पंजाबी जूती पहन लेती। और बस अभी एक चप्पल ली है, अब और तो कुछ नहीं लिया है। बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सामान लेना था वो लिया है, प्रेरणा का चकला लिया है। ऐसे ही घूम ही जा रहे हैं, हमें भी नहीं समझ में आ रही हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि अब मैंने जाना है, एक्चुअली अब मैंने जाना है, यहाँ से कुछ खाएंगे फिर हम जाएंगे स्वीट शॉप पे प्रसाद के लिए ऑर्डर करना है, उसके बाद घर जाएंगे। अगर कोई और काम नहीं है तो फिर घर चले जाएंगे। तो अब खाएंगे फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। और हम जा रहे हैं बीच रोड, वहाँ पे एक बंडी है, बंडी मीन्स एक ठेले वाला है जो बनाता है नूडल्स, मतलब मोन्चो बोलता है वो, मंचूरिया और फ्राइड नूडल्स का जो मिक्सचर होता है, क्या बना बहुत टेस्टी होता है वो, होता स्पाइसी है पर टेस्टी बहुत होता है, वही खाने जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि इस टाइम ना जब भूख लग जाती है तो मन करता है कुछ चटपटा खाने का, और मुंह का टेस्ट जैसा। ना ये भी ज्वेलरी शॉप है यार, ये तो रियल ज्वेलरी है कि आर्टिफिशियल है? रियल तो नहीं लग रही मुझे ऐसे, ये ऐसे तो नहीं रखते रियल वाले, कोई डिजाइनर वाले टाइप की लग रही है ये। तो चलिए अभी सिग्नल हो गया और जाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो हम आ गए हैं घर, और शॉपिंग जो है अभी पूरी हुई नहीं है, सेट्स वगैरह या कुछ भी ज्वेलरी पसंद नहीं आई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अब लग रहा है कि क्यों दिल्ली से ले नहीं आई थी मैं अपने लिए भी। बट क्या करती, तब डिसाइडेड नहीं था कि मैं क्या पहन रही हूँ, और अभी मैं अभी फिर कंफ्यूज हो रही हूँ कि गोल्ड का ही कुछ अपना पहन लूँ या लाइक कुछ आर्टिफिशियल में पहनूँ। आई डोंट नो मैं क्या पहनूंगी अब मुझे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और हम लोगों ने तो बाहर थोड़ा खा लिया था, हस्बैंड के लिए अभी थोड़ा खाना बन जाएगा, एग करी और राइस। और बस चप्पल ली है मैंने अपने लिए एक, और क्या लिया है, और क्या शॉपिंग की हमने आज। हाँ प्रेरणा ने एक नाक की नथ ली है जो उसके सेट के साथ हमने ली है, वो बहुत बड़ी है, लाइक वो पूरा मुंह कवर कर रही है। तो प्रेरणा बोली इतनी बड़ी मैं नहीं पहनूंगी और उतनी अच्छी भी नहीं लग रही उसके फेस पे, तो इसलिए हमने छोटी वाली ली है, रिंग जैसी होती है वो ली है। और बुखार अभी उतर तो गया है लेकिन वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा है अभी भी, मतलब ब्रीथिंग में जैसे लग रहा है थकावट सी हो जा रही है, कहीं जाके आ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा। और मौसम भी आज ऐसे ही रहा है, ठंडा भी नहीं, धूप भी नहीं, गर्मी भी, अजीब सा मौसम हो गया फिर से। और मुझे तो मैं थक जाती हूँ ना, मुझे ठंड लगने लगती है पता नहीं क्यों, तो मुझे ठंड सी फील हो रही है, पंखे में भी ठंड लग रही है मुझे। तो चलिए ठीक है, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय।